ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। बाबा जी आप फकीर हो? नहीं बेटा, इलाके का काउंसलर हूँ। अरे एक काउंसलर हैं आप? भाई फिर तो यकीनन बड़े ईमानदार काउंसलर होंगे आप। अरे बेटा क्यों फकीर का मजाक उड़ाते हो सुबह सुबह? आप वाकई फकीर हैं? हैरत है भाई। हैरत? हाँ ना, फकीर हो के आप नहीं मांग रहे और बिना फकीर लोग मांगे चले जा रहे। कौन बेटा? रहने दे, आज मेरा मूड अच्छा है, ये ले 100 रुपए पकड़े। अरे वाह, दिखने में तो गरीब मालूम होते हो और मुझे 100 रुपए खैरात में दे दिए। अरे मेरी जिंदगी तो वैसी खैरात में चल रही है, 100 रुपए से मेरा कुछ नहीं होने वाला था। चले आपका ही भला हो जाए, यही सही है। रुक जा बेटा, छुट्टा मत मांगना, देखो जोते सारे दे दिए मैंने। तूने फकीर को बिना मांगे दिया है, जा जिस चीज को हाथ लगाएगा सोने की बन जाएगी, बाबा की दुआ है। बाबा अब पैसे सारे खत्म हो गए, कोई ऐसी दुआ दो जो जिंदगी में भी काम आए और वैसे भी काम आए। बाबा की बात पे यकीन आ जाएगा बच्चा, जा सबर कर सबर। चलो बाबा जो तुम कह रहे हो ठीक ही होगा। यार जानी आया नहीं पता कि यार अंडा लेकर। हाय 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 यार जानी अंडा लिया तो मेरे लिए। अबे एक अंडे के लिए तूने मेरा दिमाग खा लिया है। अंडा एक हो या एक दर्जन, तुझे लाने का बोला था, घर पे कोई भी नहीं है और अकेले घर छोड़ सकता नहीं हूँ और सुबह से नाश्ता भी नहीं किया मैंने। घर छोड़ के मेरे घर के बाहर क्यों खड़ा, घर जाना। यार मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आया था। मुझे ढूंढने के लिए? इस दफा तो ले आऊँ लेकिन आइंदा नहीं लाऊंगा मैं, बता रहा हूँ तुमको। और एक अंडा तो वैसे खुद भी दे सकता है इंसान। हाँ दे रहा हूँ, ये ले मर। हाँ भाई चलो। चल भाई चलो, दे रहा है दुरुस्त है, अब नाश्ता कर लूंगा मैं। यार यार शरीर वाली का मैं देखूँ तो सही है क्या? पता नहीं हाँ, सोने का अंडा निकल शायद गलती से आ गया होगा, जाने का भी नहीं पता। सही बोल रहा है तू, चल चल भी। अरे भैया ओहो, ये बर्तन भी कहाँ रख दिए हर चीज। ओहो हाय, ये गोल्डन चम्मच कहां से आ गया? गिरा तो सिल्वर था, पहले तो इस घर में कभी नहीं देखा इसको। अजीब हो रहा है भैया, काश सोने का होता। चलो। अरे जानी कहां चले गए थे तुम? अब वो मैं बाजार गया था सामान लेने। अच्छा ये क्या, सोने का चम्मच? अरे मैडम हर चमकने वाली चीज सोना थोड़ी होती है, ये तो गोल्डन चम्मच है बस। मुझे सोने की बहुत अच्छी तरह पहचान है जानी, कई सेट है सोने के मेरे पास, ये सोना ही है। सोना? मगर ये यहाँ कैसे आया? वो तो मैं खुद नहीं जानती। खैर छोड़ो, इसे मैं ले जाती हूँ, जाकर अलमारी में संभाल के रख देती हूँ। सोने का चम्मच, जिंदगी में पहली दफा कुछ सोने की चीज हाथ लगी थी, वो भी अपनी गरीब सोच की वजह से गवा दी। हाथ है भाई। अदा चाय कैसी बनी? अदी एक काम किया कर, तू चाय ना बनाया कर। क्यों? अरे बाबा तुझे हर घूंट पे ना बार बार तारीफ सुननी होती है बाबा, 10 बार तुझे बता चुका कि अच्छी बनी है, अच्छी बनी है, अच्छी बनी है। बाबा इंसान कितना झूठ बोले। इसका मतलब है कि इतनी देर से तुम मेरी झूठी तारीफें कर रहे थे। अरे अदि 10 बार अच्छा बोला वो नहीं माना बाबा, 1 बार बुरा बोला वो फट से मान लिया। अरे बाबा वो इसलिए कि मुझे पता था कि चाय कैसी बनी है, यकीन नहीं आ रहा था ना। बच्चू
एक बात तो बताए मुझे। हाँ बाबा पूछो पूछो। हमारे घर में कोई सोने का डिनर सेट है क्या? अरे बाबा सोने के जेवर तो मैंने सुने थे, बाबा सोने का डिनर सेट भी होता है क्या? बाबा ये बच्चों का घर है, कोई शेख बच्चों का नहीं। हाँ बाबा जरीना बिल्कुल ठीक कह रही है, मगर हुआ क्या है? मुझे ना ये चम्मच मिला है किचन से, सोने का चम्मच। अरे सोने का पानी चढ़ा होगा। अरे अगर सोने का पानी भी हुआ तो आया कहाँ से? अरे भला सोने का पानी कहाँ से अभी, ये मुझे क्या पता। उफ़ला। अरे बाबा तुम फिक्र मत करो सीमा, मैं पता करता हूँ कहाँ से आया है। हाँ हाँ बच्चों मैं भी यही चाह रही हूँ। बाबा मैं पता करूंगा कि हमारे घर में सोने का पानी लाया कौन है। बच्चू मैं सोने के पानी की नहीं, सोने के चम्मच की बात कर रही हूँ। अरे बाबा ये चमचा कहाँ से आया है मुझे क्या पता। अच्छा चलो मैं ना ऐसा करती हूँ, इसे संभाल के ना अलमारी में रख देती हूँ, जिसका होगा वो खुद ही पूछ लेगा। अब बाबा एक काम करना, मेरे वाले में रख दो। रख लूंगी मैं खुद ही। रोज साफ करता हूँ, पता नहीं फिर कहाँ से ये मट्टी आ जाती है। लो भला बताओ पेन जा रखा हुआ, नहीं मिलता तो फिर जानी 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 फिर मुझे ढूंढना पड़ता है। चलो खैर है। इंशाल्लाह ये क्या हो रहा है, सोने का पेन, ये तो प्लास्टिक का था। तूने फकीर को बिना मांगे दिया है, जा जिस चीज को हाथ लगाएगा सोने की बन जाएगी। ये कहीं बाबी की दुआ सच तो नहीं साबित हो रही? एक मिनट चेक करता हूँ, ये क्या है ये सिलसिला, ये क्या चक्कर है भाई, अब क्यों नहीं हो रहा, अब क्यों नहीं हो रहा, सोने का पंजा सोने का। एक काम करता हूँ जमाल सुनारे के पास जाता हूँ, उससे पता कराता हूँ, सोने का होगा तो पता चल जाएगा। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। अरे बाबा जानी अच्छा हुआ तुम मिल गया बाबा, जाओ बाबा चाय बना दो। जमाल के पास जा रहा हूँ मैं। क्या कह रहे हो बाबा? मेरा मतलब है पति लेने जा रहा हूँ पति। अरे बाबा पति लेने क्यों जा रहे हो बाबा, कल ही तो 2 किलो पति आई है। दूध खत्म हो गया, पति तो है। अरे बाबा क्या हो गया, कभी पति लेने जा रहा है कभी दूध लेने, सब सही तो है। मैं चीनी लेके आया, आता हूँ मैं। पति खत्म हो गई है, दूध नहीं है, लेने चीनी गया है, बाबा इसका दिमाग खराब हो गया है। भाजी भाजी आपने जानी को देखे? हाँ देखा है, सांवला सा है और दरमियाने से कटकर अक्सर शॉर्ट्स पहनता है। बाबा ये आप मुझको होलिया बता रही या पुलिस को? नहीं नहीं जरीना, मैं तुम्हें तुम्हारी तरह से जवाब दे रही हूँ ताकि तुम्हें पता चले दूसरों पर क्या बीतती है जब तुम ऐसे बात करती हो। ओहो मैं आपसे जाने का पूछ रही हूँ और आप मुझे माशुतुलुम पढ़ा रही हो। नहीं नहीं जरीना, मैं ऐसी हरकत कैसे कर सकती हूँ, तुम्हें तो टीचर नहीं पढ़ा सकी, मैं क्या पढ़ाऊंगी। ओहो भाजाई मैंने उसे चाय मांगी थी, कह रहा था कि दूध नहीं है जल्दी से भाग के लेकर आ जाओ, लेकिन अभी तक नहीं आया। दूध लेने गया बाहर? लेकिन हमारे घर में तो दूध बहुत ज्यादा होता है बच्चों की वजह से। हाँ कोई छुपकर पी जाए तो पता नहीं। हाँ तो क्या है भला, हमारे दूध के बड़े हमारी मर्जी, हम पिए या ना आए। जरीना मैंने तो ऐसे ही बात की थी, तुम अपने पर क्यों ले रही हो? भाजी मेरे को ऐसा लगा कि शायद आप मेरे पे तंज कर रही हो। तुम्हें ऐसा लगा? हाँ ना। वैसे तुम बहुत अक्लमंद हो। अब बात ही बता, मैं जब से इस घर में आई हूँ ना मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी आप मेरी तारीफ करती हो ना शायद मेरे पे तंज कर रही हो। लगता है कि जानी दूध लेके आ गया, मैं चाय बनवा लूँ। बाबा सर में बहुत दर्द, आप पियोगी? नहीं नहीं रहने दो। अच्छा ठीक है। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। जानी मैं तो समझ रही थी कि शायद तुम मुझे भूल गए। अरे नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ भला पूछो। ये बताएं कि ये आजकल अपने सोने का क्या भाव चल रहा है? अपने तुम्हारे क्या सोने की भला काने? वो टीवी पे आया ना कि 10 तोले सोना ये 20 तोले सोना, तो आजकल क्या रेट होगा? अब बाबा मेरे ख्याल में शायद 1.5 लाख रुपए चल रहा है। 1.5 लाख रुपए? हाँ ना जानी देखो ना भला, कुछ सस्ता हो जाए तो भला मैं सोने के सेट ले लूँ ना। वैसे भी अदा कह रहा था कि आजकल सोना लेना ना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं तो कहता हूँ
और ऊपर जाए 10 लाख तोला हो जाए। तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे बहुत कई तोले सोने के मालिक हो। नहीं, मैं ऐसी बात भी नहीं है। हम कहाँ खरीद सकते हैं 10 लाख तोला हो 20 लाख तोला, हमारे दिल में हसरत ही नहीं है सोना खरीदने की। अरे बाबा, जिन्हें के दिल में हसरत है उन्हीं के बारे में भला इतना बुरा क्यों सोच रहे हो? अरे बात तुझे ना अपने बारे में सोचता रहेगा। जानी बेटा, मजा आ गया, असली इस सोने का पैन निकला भाई, बाबा की दुआ कबूल हो गई। एक काम करता हूँ, मैं बड़ी चीजों को सोना बनाता हूँ, चल बेटा जानी। यार तेरे घर से खाने की बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है आज। हाँ बाबा, वो जानी कुछ खास बना रहा है। वाह, क्या पका रहा जानी? बाबा वो आलू का भुर्ता। आलू का भुर्ता? बाबा आलू का भुर्ता ही बोला है, भालू का तो नहीं बोला है। इतना परेशानी क्यों हो रहा है यार? लेकिन आलू के भुर्ते की इतनी मजेदार खुशबू। हाँ बाबा, वो असल में वो बनाने वाले के हाथ में होता है ना जायका, वो तेल होता है अलग से, उसके मसाले बाबा, उस वजह से। यार वैसे तो मैं आलू का भुर्ता खाता नहीं हूँ, आज सोच रहा हूँ तेरे घर से खा के जाऊँ। यार अगर खुशबू ऐसी है तो फिर भुर्ता खाने में कैसा होगा? हाँ बाबा, नहीं बाबा, तुम नहीं खा सकता है बाबा आज। वो क्यों? अरे बाबा, वो मेहमानों के लिए बना है ना, तुम लोगों को कैसे खिलाऊंगा बाबा। यार लेकिन मेहमानों को कोई भुर्ता खिलाता है क्या? अरे बाबा, हमारे मेहमान है, हमारी मर्जी, हम उनको कुछ भी खिलाएं, आलू का भुर्ता खिलाएं, हमारी मर्जी है बाबा। अच्छा बाबा, एक काम करो, तुम लोग जाओ बाबा, मेहमान आने वाले, जाओ बाबा। शाबाश, चल भाई, शाबाश, जाओ बाबा, जाओ, मिलते हैं बाबा, कल मुलाकात करते हैं दोबारा। हे बाबा, मैं इनको यहाँ से कटाने के लिए आया था बाबा, ये तो आलू का भुर्ता खाने के ऊपर भी आमादा हो गए, कौन लोग हैं बाबा? अरे बाबा जानी। हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो बाबा? कुछ नहीं, पौधों को पानी देने आया था। पौधों को पानी दे रहा था बाबा? तुम्हारे हाथ में तो ना पानी है और ना पानी का पाइप। नहीं, वो पहले मैं देखने आया था कि पौधों को कितना पानी चाहिए। अच्छा बाबा, वो क्या कहते हैं, तुम तो वो बन गया है क्या, साइन बोर्ड बाबा, साइन बोर्ड। अच्छा, साइन बोर्ड नहीं, साइंटिस्ट। देखें, आज अगर पानी बचाएंगे तो कल काम आएगा, वैसे भी मुल्क में पानी का बहुत बुरा चल रहा है। हाँ बाबा, पानी तो बचाना चाहिए, सही कह रहे हो बाबा, सही कह रहे हो। ये क्या है बाबा तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं। नहीं बाबा, हाथ आगे लाओ बाबा। ये वाला नहीं बाबा, वो वाला लाओ। कुछ नहीं है। लाओ बाबा, लाओ, मुझे पता है कुछ है। सीधा करो बाबा, हिलो नहीं ज्यादा। खोलो बाबा हाथ। बाबा सोने का सिक्का। आम सा सिक्का, मैडम को देने जा रहा था। अच्छा बाबा, मैडम को देने जा रहा था, इसका मतलब है तुम हमारा सिक्का उठा के सोने का भागने लगे थे है? हमारा सोने का सिक्का? आपका कैसे? अच्छा बाबा जी, घर किसका है? आपका। इसमें सारी चीजें किसकी हैं? आपकी। तो इसमें घर में जो चीज मिलेगी वो किसकी होगी? आपकी। हाँ बाबा, मेरी बात करता है, सोने का सिक्का है बाबा। सुनो, एक चीज की तो खुशी हुई, जब मेरा हाथ हिलता है तो चीज सोने की बन जाती है। चलो, पता तो चल गया ना कि चीजें सोने की बन रही है। अरे बाबा, क्या सोच रही हो? मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा बच्चों। अरे बाबा, जो बात समझ में नहीं आ रही उसके बारे में सोचना कैसा? नहीं, ये जानी कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? हाँ बाबा, मुझे भी लग रहा था, लगता है कुछ कमजोर हो गया, खाना सही से नहीं खा रहा है। नहीं, मेरा मतलब है कि उसका रवैया कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे बाबा, तुम कहना क्या चाह रही हो? मेरा मतलब है कुछ पुरेसरार सा, जैसे कुछ छुपा रहा हो। हाँ बाबा, मुझे भी उसकी हरकत है ना कुछ ऐसी लग रही थी, लेकिन मैं इसने कहा कि शायद मेरा वहम हो। नहीं, ऐसा करते हैं, हम चल के सब पूछते हैं कि मसला क्या है। पापा, वो ये बात बताएगा भी? अरे क्यों नहीं बताएगा, बल्कि आप एक काम करें, आप ना उस पे नजर रखें, मैं पूछने नहीं पड़ेगा। अरे बाबा, मैं जासूस हूँ क्या? इसमें जासूस वाली क्या बात है बच्चू, आखिर हमारा इतना पुराना मुलाजिम है, हमारा फर्ज बनता है ना कि हम उसका ख्याल करें, अगर कोई मसला हुआ तो हम उसकी मदद करें। हाँ बाबा, बिल्कुल ठीक है बाबा, मैं रखता हूँ उस पे नजर। हाँ बिल्कुल रखें। अब बाबा, नजर आज ही रखनी है या बाद में रखूं? नहीं, अभी रखें, अभी पता चले ना कि मसला क्या है। अरे खाना बिल्कुल मजे का नहीं था, लगता है कि आज जानी ने दिल से खाना नहीं बनाया। आदि, क्या है, तू बिल्कुल ठीक रही है। वैसे ना
आज तो मेरा ख्याल भी यही है। हाँ बाबा हाँ। अरे बाबा ये कहीं अंधा तो नहीं होने वाला? क्या मतलब? बाबा अंधा होने से पहले हर चीज को हाथ लगा के महसूस कर रहा है ताकि अंधा होने के बाद आसानी रहे बाबा। बच्चू रात में आपने कौन सी फिल्म देखी थी? अरे बाबा मैंने कोई फिल्म विल्म नहीं देखी, आपको पता है मैं कोई फिल्म शिल्म नहीं देखता। जाने ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं बस वैसे थोड़ा चक्कर आ गया था। ये चक्कर आने पे टेबल और कुर्सी तो समझ में आता है, लेकिन ये जग किस चक्कर में पकड़े हो? अरे जब चक्कर आते तो इंसान पानी नहीं पिएगा, क्या हो गया जरीना? जानी एब्सोल्युटली राइट। वैसे बाबा जानी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ एकदम फिट, मगर आप क्यों पूछ रहे? हमें ऐसा लग रहा था कि तुम कुछ डिस्टर्ब हो, कोई मसला तो नहीं तुम्हारे साथ? नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक। देखा बाबा वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें भी परेशान हो रही थी बाबा। खाना सही बनाना बाबा अगली दफा से। हाँ आज बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बना था जानी। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे यार तेरी वजह से फंस जाऊंगा, काम क्यों नहीं कर रहा मैं तू? अरे बाबा जानी तुम किससे बातें कर रहे हो बाबा? आपसे? बाबा मुझसे कैसे कर सकता, मैं तो अभी आया हूँ बाबा। आप आए? हाँ आया। मेरी आवाज सुनी? हाँ बाबा सुनी। तो बस फिर इसका मतलब ये कि मैं आप ही से बात कर रहा हूँ ना? हाँ बाबा ये बात तो मैंने सोची नहीं थी। एक बात बताएं ये किचन में क्यों आए? बर्तन तो मैंने धो दी। बाबा वो मैं पानी पीने आया था। तो फिर? मैं खाना खाने आया था बाबा। पानी बाहर रखा हुआ? अब मेरे ख्याल में सीमा बुला रही है बाबा, मैं भी आया। ये बच्चू भाई किस चक्कर में आए हुए हैं यहाँ पे? जरूर कोई बात है, एक मिनट में पता करूं। अरे बाबा शहर में कोई भी नया फैशन आया ना तुम लोगों ने मुझे जरूर बताना है। फिक्र ही ना करो, हमारी जैसी दोस्तें तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी। अरे नहीं बाबा, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है नीलो। लेकिन वो हमारी तरह स्टाइलिश और मॉडर्न तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं वो बिल्कुल भी तुम्हारे जैसी नहीं है। तुम्हारे जैसी कैसे हो सकती है? देखा हमारे स्टाइल ही ऐसा है, किसी गांव वाली से मैच ही नहीं हो सकता। वैसे नीलो ज्यादा हसीन थी या हम दोनों? अरे बाबा मैं कह रही हूँ ना, उसका और तुम लोगों का क्या मुकाबला। वैसे उसकी आंखें कैसी थी? उसकी आंखें ना बहुत बड़ी बड़ी है, खूबसूरत। अच्छा और बाल? नहीं बाल तो उसके छोटे छोटे। ऐसे कैसे हो सकता है गांव वालों के छोटे बाल? अरे भला इस बात से गांव का क्या ताल्लुक। अच्छा ये बताओ कपड़े कैसे पहनती थी? कपड़े? अरे नहीं बाबा कपड़े शपड़े भला क्यों पहनेगी। क्या मतलब? अरे बाबा नीलो ना मेरी भैंस का नाम है, गांव में है ना वो। व्हाट? नीलो तुम्हारी भैंस थी? अरे थी नहीं है बाबा, वो अलग बात है कि मैं यहाँ हूँ और वो वहाँ। अरे बाबा मैं तो आज भी उसको बहुत याद करती हूँ, मैं अपना दुख सुख करती थी, अपनी दिल की बातें उससे क्या करती थी। जरीना। हाँ भाजाई। तुम यहाँ बैठी हुई हो? अरे भाजाई मेरा भी सोने का टाइम थोड़ी है। वो ना जरीना मैं ये कह रही थी कि जाने ना कुछ मशकूक सा लग रहा है मुझे। हाँ चलो बाबा शाबाश, तुम लोग अपने घर जाओ, अभी हमारा अपने घर की बातें करने का टाइम शुरू है। जा रहे हैं नीलो की दोस्त? कोई और नहीं मिला तो भैंस को ही दोस्त बना लिया। ए अल्लेता चल अभी यहाँ से, वरना तेरे को मार मार के ना नीले से पिला कर दूंगी। बड़ी आई मेरी नीलो के लिए कुछ बोलने वाली। भाजाई वैसे एक बात है, तुम कभी कभी जो ना सही बात कर जाती हो, लेकिन ये जानी ना मुझे कुछ अलग अलग सा लग रहा है ना? बस ना ये बच्चों को पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा। ये अदा बच्चू है किधर? वो ना मैंने बच्चों को बोला है कि जानी पे नजर रखे। हल्लुपड़ा अरे बच्चू क्या हुआ आपको? अरे बाबा वो बहुत तेज है जानी बाबा, हाथ नहीं आ रहा है मेरे। क्यों बोला क्या वो पतंग है जो आपके हाथ में नहीं आ रहा? अरे यदि तू हमेशा बेकार की बकवास ही बात करना बाबा, बाबा उस पे नजर रखना बहुत मुश्किल है बाबा, तेज है इधर निकल जाता है। अगर ऐसी बात है बच्चू तो चलो चल के हम उससे साफ साफ पूछ लेते क्या मसला है। हाँ बाबा चलो चलो चलो। जादे के बार कौन है तू? हर वक्त सेल्फी खींचती रहती है। अच्छा भला जा रही हूँ, गुस्से में क्यों बोल रहे हो? ना बच्चू भाई ये बेल बजी थी क्या? हाँ बाबा वो जरीना गई है ना। तो जाते हुए बेल क्यों, आते हुए बेल बजाते हैं? अरे बाबा बार किसी ने बेल बजाई थी, वो देखने गई है दरवाजे पे कि आया कौन है। आजा, 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 शबन भाई आप? जी माफी चाहता हूँ,
आपका अंडा हमारे पास आ गया है। अरे बाबा, हमारा कौन सा पोल्ट्री का बिजनेस है जो हमारा अंडा आएगा? और बाबा, अंडा किसी का नहीं होता, मुर्गी का होता है। नहीं नहीं, मेरा बेटा सुबह से बैठा हुआ था नाश्ते के लिए भूखा, उसने जानी से अंडा मंगवाया, लेकिन ये तो, अरे बाबा, ये तो सोने का अंडा है। ये महंगा आइटम है, इसी वजह से देने आया। अब मैं चलता हूँ। बच्चू, सोने का अंडा, वो सोने का चम्मच? अरे बाबा, सोने का पेन। अच्छा, इतना सोना, इसीलिए सोने का रेट पूछ रहे थे ये? अरे वो मैडम, बात ये, जानी सच सच बताओ, तुम किसी डाकू के गैंग के साथ तो नहीं मिल गए? अरे अरे बाबा, इसीलिए तो इतना पुरेसरार चल रहा था ये। मुझे लगता है अब सच सच बताना पड़ेगा। अब पला बता भी दो। आओ फिर मैं आपको बताता हूँ। ये बाबा, इससे लंबी नहीं फेंक सकता था क्या? ये तो जादूगर जानी हो गया। Enough is enough जानी, सच सच बताओ बात क्या है? मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मैं जिस चीज को हाथ लगा रहा हूँ वो सोने की बन रही है। हाँ बाबा, करके दिखाओ, करके दिखाओ, करके दिखाओ। अच्छा ठीक है, ये देखे, ये कुछ भी नहीं हो रहा जानी। अरे जानी, बस बहुत हो गया झूठ तुम्हारा। पता नहीं क्या हो रहा है, यकीन माने, मैं जिस चीज को हाथ लगा रहा हूँ वो वाकई में सोने की बन रही है। पता नहीं क्या, बच्चू भाई देखे, मेरा हाथ सोने का हो गया। अरे और दीजरी ना। हाँ था। हाँ बाबा, जरा एक चुरी लाना बाबा। क्यों बोला? अरे बाबा, सोने का हाथ है, काटेंगे बाबा। हाँ, मैं ना सोने का रेट चेक करने दी हूँ। नहीं। बस मैडम, ये 6 बजे की बस पे बैठी हैं, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगी वो। बस से? ये अमेरिका से बस सर्विस कब स्टार्ट हुई पाकिस्तान में? अमेरिका? बात दरअसल ये है जी, मेरा नवासा है ना, वो इस घर में काम करता है। नवासा? अरे पापा, हमारे पास कोई छोटा बच्चा नहीं है। अब इस उम्र में भी ना नानी, आपका वैसे दिमाग बहुत तेज चल रहा है। और तेरा इस उम्र में कम चलता है? हाँ मिर्चा तो वाकई बहुत है जानी, लेकिन खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है। हाँ बाबा, जायका तो बहुत अच्छा है, लेकिन मिर्चे बहुत है बाबा। ना जी, खाना तो मैंने बनाया है। अरे आप तो कह रही थी कि आपके दोस्त आ रही है। हाँ आ रही है। तो दोस्तों से ऐसी दुश्मनी? बाबा दुश्मनी की क्या बात है, जलाजानिया की औलाद। तेरी इतनी हिम्मत, क्या बोला तूने बदतमीज, क्या बोला तूने? है इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जा कर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।